हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बातें करेंगे बिग बॉस सीजन 11 में क्या क्या हुआ। आज था डे 7 और वीकेंड का वॉर। तो आज सलमान ने किसके किसके क्लास लगाई, किसने किसे क्या बोला, ये सब आज हम देखेंगे। आज सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रियांक के जाने पे सबसे ज़्यादा खुश कौन था। सबसे ज़्यादा खुश थे शिल्पा, आकाश, एनआरसी। सब गाने गा रहे थे, ऐसा तो पहली बार हुआ है। चाहे कितनी भी दुश्मनी किसी से क्यों ना हो, लोग खुश नहीं होते थे, सबके सब दुखी होते थे, चाहे वो ऊपर से ही क्यों ना हो। बट इस बार तो सब गाने गा के सेलिब्रेट कर रहे थे। लेट्स सी, ऐसे ही चलता रहा तो घर में और क्या क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट हुआ कि कल जुबेर की इतनी क्लास लगी है कि आज वो हॉस्पिटलाइज हो गया। और एक और चीज हुई, आज जो 5 लोग नॉमिनेट थे उसमें से जुबेर बाहर चला गया। उसे तो जाना ही था, अब इतनी गालियां दोगे तुम एक फैमिली शो पे तो बाहर तो जाओगे बॉस। तो और क्या क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ इस शो में। तो आज हुआ नेक्स्ट, आर्ची और शिल्पा के बीच में एक गेम और दोनों की लड़ाइयाँ। दोनों की लड़ाई में क्या क्या हुआ। आर्ची की लैंग्वेज की बात कल मैंने आपको बताई थी और कल मैंने बोला था कि कुछ लोगों को कितना भी समझा लो वो नहीं सुधर सकते हैं। और सलमान सर ने भी यही बोला कि आप अपनी लैंग्वेज को प्लीज कंट्रोल करो वरना ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, जब इनकी गेम हुई तो एक सुल्तानी अखाड़ा करके एक गेम था जिसमें था आरसी और सपना के बीच में 3 राउंड होने थे। और उस 3 राउंड में क्या था, फर्स्ट राउंड में था कि गेम में आपको सिर्फ जुबान चलानी थी, कोई हाथ पैर नहीं चलाना था। और उसके बावजूद उसमें सपना जीती। उसमें तो 3 राउंड थे, फर्स्ट राउंड में 1 पॉइंट, सेकेंड राउंड 1 पॉइंट एंड थर्ड राउंड में 3 पॉइंट थे, गेम चेंजर पॉइंट। तो फर्स्ट राउंड क्या था, फर्स्ट राउंड था कि आप सिर्फ अपनी बातों से लड़ाई कर सकते हैं, कोई हाथ पैर आपको नहीं चलाने हैं। और घर वालों का काम था कि आप जितनी सीटी बजाओगे वो बंदा जीतेगा जिसकी बातों पे। और सपना की बातों पे सबने एग्री किया, सबने सीटियां बजाई सिवाय 3 लोगों को छोड़ के, आकाश, आरसी एंड शिल्पा। बट आरसी ने क्या बोला, आरसी ने बोला कि ये तो ग्रुप है, बट बॉस सलमान ने बोला ये ग्रुप नहीं, ये रिस्पेक्ट है। आप जैसा लैंग्वेज जिसके साथ करोगे, आप जैसा बिहेव जिसके साथ करोगे, आपको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। और एक्चुअली ये तो सही भी ऐसा ही होता है। सेकेंड राउंड था हाथापाई राउंड, जिसमें आपको लड़ाई करनी थी और जो सबसे पहले गिरेगा वो हारेगा। और उसमें भी सपना ही जीती। थर्ड राउंड जिसमें आपको 3 पॉइंट्स थे, जो गेम चेंजर पॉइंट्स था, उसमें क्या था, सेम रूल एज पर सेकंड, बट उसमें क्या था कि आपको आंखों पे पट्टी बांधनी, आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हो और बिना देखे आपको वो गेम जीतना है, वो लड़ाई करनी है। और उस राउंड में भी सपना ने ही जीती। तो इस हिसाब से सपना को मेडल मिला। आरसी इतने गुस्से में थी कि उसने अपनी माइक निकाल के फेंक दी। और बेचारी शिल्पा, वो उसे इतना समझाई बट आरसी सुन ही नहीं रही थी और दोनों की फाइट हो गई। दोनों की फाइट से कुछ हो ना हो बट शायद आरसी को थोड़ी अकल तो आई गई होगी, जहां तक शो में आज दिखाया गया है। बट पहली बार मुझे शिल्पा बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसने बहुत सही बोला, आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, आप मानो कि आप गलत हो, इसलिए सलमान सर ने आपको बोला। नेक्स्ट हुआ कि आरसी की इतनी अकल ठिकाने आ गई कि आरसी ने आगे सबको सॉरी बोल दिया। और द बेस्ट पार्ट इज, सबने आरसी को माफ कर दिया। सपना ने, जिसके साथ इतनी लड़ाइयाँ हुई, जिसने यहाँ तक भी बोला कि मैं अगर इसे पीट के जाऊँ तो हरियाणा के लोग गर्व महसूस करेंगे कि मैं किसे पीट के आई हूँ, उस बंदी ने आज एक बहुत अच्छा काम किया। आरसी ने
गेम खेला, क्या किया, क्योंकि नॉमिनेशन एपिसोड आने वाला है तो आई थिंक उसे समझ में आ गया है कि सब ग्रुप के लोग हैं और सब उसे नॉमिनेट करेंगे, तो उसने आके सॉरी बोला। बट देखते हैं एक्चुअली वो रियलाइज कर रही है गलती या गेम खेल रही है। तो सपना ने क्या किया, मैं आपको बता रही थी, सपना ने अपना मेडल निकाल के उसके गले में पहना दिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है जो हर कोई नहीं कर सकता है, उसने किया है। आई सैल्यूट यू सपना, तुमने बहुत सही गेम खेला आज। फिर एट द एंड गोलमाल की टीम आई थी आज कुछ गेम खेलने। उस गेम में क्या था कि अगर पूरी टीम आती है घर पे तो आप पूरे घर वालों को ऐसे बिहेव करना है जैसे कोई है ही नहीं आप पे। और सबने बहुत अच्छे से खेला, एक बेल बजी और बेल बजते के बाद सबने गोलमाल की टीम से मिली और उसके बाद वो टीम चली गई। ज्योति को लास्ट में सलमान सर ने बहुत समझाया, आप थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, क्योंकि सेकेंड एपिसोड में ज्योति की लड़ाई हुई थी क्योंकि वो किसी को थैंक यू नहीं बोलती थी, किसी को सॉरी नहीं बोलती थी। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए, अगर आपकी गलती है तो आपको उसे सॉरी बोलना चाहिए, बट वो बंदी ऐसा नहीं करती थी। जब उसे सलमान सर ने समझाया तो आई थिंक वो समझ गई है। फिर देखते हैं कि वो आगे थैंक यू और सॉरी बोलती भी है या नहीं, या सिर्फ वीकेंड के अवार्ड के तक ही था वो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वीकेंड नॉमिनेट थे 5 लोग, एंड 5 लोगों में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो भाई घर से आउट हो चुका है, एंड एट लास्ट पड़ोसी भी बहुत जल्द घर से आने वाले हैं, अपने घर छोड़ के मेन घर में आने वाले हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है, पड़ोसियों को जो स्टोरी दी गई है वो एक्चुअली उस स्टोरी पे काम कर पाते हैं जल्दी या नहीं कर पाते हैं, आगे देखना है अभी और क्या क्या होता है। टुमारो एपिसोड में आज क्या दिखाया, टुमारो एपिसोड में दिखाया कि शिल्पा और विकास की फिर से फाइट होने वाली है और मुझे लगता है ये तो उनका चलेगा जब तक वो दोनों घर में एक साथ हैं, उनकी लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकने वाली है, कभी वो एंटरटेन करेंगे हमें या फिर कभी वो इरिटेट करेंगे वो। तो देखते रहिए आगे का एपिसोड, कल फिर से मंडे टू फ्राइडे 10:30 में शो आने वाला है, तो आप लोग देखिए और उसके बाद मेरे रिव्यू जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।